बारबाडोस की एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम नेक्स्ट लेवल की, जो कल हमने देखा उससे भी ज़्यादा। और अभी पहुँचने वाला है, सिटी डाउनटाउन से लगभग कुछ 40 मिनट्स की या 1 घंटे की ड्राइविंग है, कम की है, और यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बारबाडोस के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको बारबाडोस का एंड बताऊंगा और टॉप ऑफ दी बारबाडोस पे आपको लेके जाऊंगा, और वीडियो के आखिर में बारबाडोस की एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि कहा जाता है कि बारबाडोस की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह ये है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। तो सबसे पहले आपको बारबाडोस के एंड पे लेके जाता हूँ। देखो, बारबाडोस तो एक 34 किलोमीटर लंबा आइलैंड है, जिस किनारे पे भी आप जाओ वो बारबाडोस का एंड कहलाएगा। लेकिन ये एक ऐसा एंड है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ आपको नज़र आएंगे, और ये पहाड़ नहीं बल्कि कोरल है जो कि हर 100 साल में 1 इंच समंदर के लेवल से ऊपर आ रहा है। ये जो आपको पहाड़ के अंदर जो खड्डे दिख रहे हैं वो पानी की वजह से हुए, जब पानी फोर्स में आता है, हाई टाइड होता है, तो यहाँ पर इतने ऊपर तक के पानी की मौजें उड़ती है, एकदम ऊपर तक के। अभी तो कुछ भी नहीं है, नीचे पानी है वहाँ पर। ऐसा समझो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ तक के पानी आता होगा, और वहाँ पर भी समझो ऐसी मौजें आती है तो वहाँ तक के पानी आता, ऐसी आती होगी तो यहाँ तक के भी पानी आता होगा। अगर आप आके किसी आइलैंड पे फंस जाए या फिर किसी आइलैंड के ऊपर मौजूद, आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरफ जाना है, कौन सा एंड है कंट्री का? लेकिन इसका सॉल्यूशन बारबाडोस वाले ने बनाया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा नक्शा बना दिया है कि इस तरफ कौन सा देश है, इस तरफ कौन सा देश है, सीधा कौन सा देश है, पीछे कौन सा देश है। देखो, पनामा को अगर आप देखना है तो पनामा यहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है, जमैका, सेंट लुसिया, विंसेंट, बरमूडा, सब इस तरफ है, सालवाडोर इधर हो गया, ट्रिनिडाद इधर हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस इस तरफ हो गया। यहाँ से आने वाले लंदन, इंग्लैंड वगैरह से, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये देखो किसी ने इसको निकाल के यहाँ से हटा दिया, उसका नाम यहाँ पर। तो इन्होंने नक्शा बना दिया भाई किस जगह से, किस डायरेक्शन में कौन सी कंट्री आती है। देखो अभी आपको टॉप ऑफ द बारबाडोस दिखाता हूँ, यहाँ पर ये फॉली हिल कहते हैं इसको। फैमिली के साथ में यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए आते हैं, और इस्माइल भाई फैमिली को लेके आते हैं यहाँ पर बैठे। व्यू तो देखो आप, क्या व्यू है, शानदार, माशाल्लाह। पहाड़ भी है लेकिन इतने ऊंचे ऊंचे नहीं, पहाड़ है यहाँ पर, वहाँ समंदर तो आपको दिखाएगा, और ये बीच में इतने हरे भरे झाड़े जंगल, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और ऊपर देखो, ये मेरे ख्याल से, देखो मेरे हाथ के बीच में बादल, पहाड़ और उसके बीच में इतना गैप है, हालांकि बहुत ज़्यादा गैप है। ये बीच बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पहले के ज़माने का किसी बादशाह का, राजा का घर हुआ करता था या प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अभी बंद पड़ी है। बहुत ही घना जंगल है, अंदर बंदर भी देखे अभी मैंने अंदर, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटी के अंदर आपने देखा होगा कि वो टॉप ऑफ द कंट्री कोई ना कोई बिल्डिंग होती है, बड़ा टावर होता है। यहाँ पर चूँकि एक आइलैंड है तो ये टॉप ऑफ द बारबाडोस हम कह सकते हैं इसको। वहाँ पर ऊपर आपको लेके गया था एक गाड़ी से, हम लोग नीचे आए, पूरा इतना घना जंगल है, बड़े बड़े झाड़, ये झाड़ देखो, एक ही झाड़, झाड़ के अंदर से 4-5 झाड़ निकले हुए। आज हम लोग पूरा बारबाडोस का तवाफ कर रहे हैं किनारे किनारे से। देखो सुबह से हम लोग निकले, सुबह से नहीं मतलब जुमाबाद से निकले, और यहाँ से पूरा राउंड होते हुए जा रहे हैं, दरिया के किनारे यहाँ पर रोड बनाया हुआ है, और रास्ते में पूरा लंबा लंबा उसका सीनरी का सीन, नज़ारा है सामने दरिया का किनारा। इतनी दूरी हम लोग यहाँ पर ड्राइविंग करके, आपको एक चीज़ बताने के लिए, जब मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है यहाँ की बारबाडोस की, भी आपको बताऊंगा, कैमरे को मैं घुमाऊंगा, लेकिन थोड़ा सब्र करो वहाँ पर। और ये यहाँ पर इतने आगे तक के कैसे आ गई है, ये देखो, ये बड़े बड़े पहाड़, इस तरफ से आपको कोई भी पहाड़ नहीं दिखेगा। ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ का कोई टुकड़ा नीचे आके यहाँ पर गिर गया हो और यहाँ पर रह गया हो। तो ये पहाड़ आए कहाँ से, देखो इतने बड़े बड़े चट्टान आए कहाँ से, आप देखो यहाँ पर, बहुत ही अच्छा सीन है, देखो ये इतना बहुत ही अच्छा सीन है, इतना फर्स्ट क्लास। ये बारबाडोस का पानी देखो बिल्कुल यहाँ पर, और अंदर जाऊँगा वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे फोटो आएंगे, देख रहे। तो अभी और आगे आगे बढ़ेंगे, पैर भिगाएंगे, गाड़ी में भी बैठने का वापस।
इन्होंने कहा कि और आगे बड़े बड़े पत्थर है, तो देखते हैं। पानी की ताकत देखो, यहाँ पर पानी जब पड़ता है यहाँ पर तो चट्टानों को भी काट देता है। आप यहाँ पर देखो इसके निशानात वगैरह, ये पानी की लहरें से थोड़ा 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 करके पूरा पत्थर कट जाएगा। ये एक टाइम पे जाके पूरा कट के गिर जाएगा। अल्लाह ताला की कुदरत है। कहा आगे और भी अच्छे अच्छे व्यू आने वाले, अच्छे अच्छे पहाड़ है, ये चट्टान आने वाले, तो आगे जाके देखते हैं। और यहाँ पर फैमिली आती है, इंजॉय करते बैठते हैं, खाना खाते हैं। और ये देखो सामने, ये बड़ा सा पत्थर वहाँ पर आपको दिखाया थोड़े, और ये सिंगल पीस है। ऊपर देखो कितना बड़ा है, पूरा आइसक्रीम शेप हो गया है, ये आइसक्रीम का शेप। नीचे कौन डालेंगे, वो पानी से कट कट के इतना नीचे का हिस्सा वो घिस गया, कट गया है। यहाँ पर लिखा है दिस इज लिविंग। ये रे अच्छा है, माशाल्लाह। ऐसी जगह पे जाके अल्लाह ताला की कुदरत को याद करना ये असल है। घूमना फिरना तो मकसद नहीं हो तो ऐसे भी हो ही जाता है, अगर ऐसी जगह पे आने के बाद भी अल्लाह याद ना आवे तो फिर घूमना बेकार। देखो अल्लाह ताला की कुदरत है। कितनी मरतबा कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने पहाड़ों का जिक्र किया, समंदर का जिक्र किया, आसमान का जिक्र किया, सितारों का, सूरज का, झाड़ का, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने जिक्र किया इंसान को याद दिलाने के लिए, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने के लिए। और ये देखो आपके सामने एक ही जगह पर इतने सारे नज़ारे, इसे देख के तो अल्लाह याद आना ही चाहिए। इसे देख के ना के बाद में तो फिर क्या कहेंगे, अल्लाह ताला की तो देखो, अगर कोई वहाँ पर चढ़े इतना अच्छा समंदर। और ये जो किनारे पर निकल रहे, जो समंदर के बारे में कल बताया था आपको, सब चीज़ें निकल के किनारे पर जमा होंगी, झाड़ वगैरह। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया यहाँ पर देखो, अल्लाह ताला याद आ गया यहाँ पर। तो आप बताओ कैसे लगी आप लोगों को ये जगह, बारबाडोस की सबसे खूबसूरत जगह। समंदर तो है ही पूरे चारों तरफ बारबाडोस के, लेकिन समंदर के किनारे ऐसी खूबसूरती देखो इस जगह पे। और यहाँ पर ये नारियल के झाड़, कोई भी तोड़ सकते हैं इसको। इस्माइल भाई को जजाकल्ला बोलो इस्माइल भाई। बाकी अगर टूरिस्ट लोग रिसर्च करें गूगल पे भाई घूमने की जगह बारबाडोस के अंदर, तो आपको चार से पांच चीज़ें मिलेगी सिटी के अंदर, या आप वहाँ जाके चले जाओगे इंजॉय करके। लेकिन ऐसे जब सीक्रेट जगह पे आपको लोकल्स को पकड़ना पड़ता है। अब ये यहाँ के लोकल है, इन्हें आइडिया है, इनको 14-15 साल यहाँ पर हो गए, तो इन्हें आइडिया है कि किस जगह पे जाना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए। इन लोग भी यहाँ पर ही आते हैं फैमिली के साथ में। मोहम्मद ये रोड से बॉम्बे वे बॉम्बे आप लोग कहाँ बॉम्बे से? मैं अभी अभी जनवरी में इंडिया में ही था। तो देखो हमारे इंडिया से बॉम्बे से वाशिंगटन में रहते हैं। नाइस टू मीट यू, थैंक यू। तो होप आपको ये बारबाडोस के खूबसूरत नज़ारे अच्छे लगे होंगे। और भी दो तीन चीज़ें बताने के लिए बाकी है जो कि अगले ब्लॉग में आने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम। Thank you.